आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। ये दोनों हमारी ही अपार्टमेंट की गाड़ी है और यहाँ देखो पूरी जगह होते हुए भी किसी ने अंदर नहीं खड़ी करी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे सुबह सुबह निकलना होता है, इसलिए कोई भी गाड़ी पीछे नहीं खड़ा करता कि वो सुबह सुबह उठाएगा ये आके हमें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीनियर गप्पू पहाड़ी ब्लॉग चैनल। सो मॉर्निंग वही अपना डेली रूटीन है, जिम के लिए निकल गए हैं, 6:15 हुए हैं, आंखों में नींद भरी हुई है, पूरी नींद हो नहीं पा रही है। लेकिन आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। इंटरेस्टिंग तो सारे व्लॉग होते हैं देखो, आज का लेकिन स्पेशल है क्योंकि फर्स्ट थिंग इट्स वीकेंड, स्टार्ट हो चुका है वीकेंड। सेकंड थिंग इज आज बड़े सारे ऐसे प्लान्स हैं जो आज तक मैंने आपको व्लॉग में दिखाया वो दिखाऊंगा, क्योंकि आज एक छोटी सी पार्टी अटेंड करने जाना है, इवन दो पार्टी अटेंड करने जाना है। आई डोंट नो कि मैं दोनों पार्टी अटेंड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एक तो है हमारे सबसे मेरे क्लोज फ्रेंड जो है दरबी, उनकी वाइफ जो है हमारी भाभी जी, उनको प्रमोशन मिला है तो उसके लिए छोटी सी गेट टुगेदर रखी है और वी आर यू नो कॉर्डियली इन्वाइटेड बाय हर, और जाना पड़ेगा, देखते हैं विद फैमिली बुलाया अब जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। सेकेंड पॉइंट इज कुछ ऑफिस के कलीग्स हैं जिन्होंने एक गेट टुगेदर रखी हुई है, तो इट्स काइंड ऑफ रीयूनियन, अब रीयूनियन ही बोलेंगे इसको क्योंकि रीयूनियन वो होता है कि आप बहुत टाइम बाद सारे बिछड़ गए हो और फिर मिल रहे हो, और आजकल पेंडेमिक में ऑफिस में आपको पता है कि 1.5-2 साल से घर बैठे हुए हैं यार, घर से काम हो रहा है, किसी को फिजिकली हम अटेंड नहीं कर पाए, फिजिकली मिल नहीं पाए किसी से, तो अब यही प्लान किया हुआ है कि यार आप लोगों से देखो हमारे ऑफिस के कलीग जो है उनसे सिर्फ फोन पे मीटिंग्स वगैरह में ही कॉल्स वगैरह पे बात होती है, तो उनको कहा गया है कि आज एक गेट टुगेदर करते हैं छोटी सी, और ज्यादा ही लोग नहीं बुलाए हैं, थोड़े से सिलेक्टेड लोग बुलाए गए हैं और वहां पे थोड़ी सी गेट टुगेदर करेंगे। एक कलीग है उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है एक्चुअली, तो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा सारा इंपॉर्टेंट फन है यार और बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम। देखो अभी डिसाइडेड है जगह वगैरह कैसे जाता हूं मैं, गाड़ी से जाता हूं कि कुछ लोग मेट्रो स्टेशन में गाड़ी खड़ी करके आएंगे, मेट्रो स्टेशन से आएंगे, तो आई डोंट नो मैं कैसे जाऊंगा, बट मैं जाने का पूरा ट्राई कर रहा हूं क्योंकि उसने इतना इंसिस्ट किया है यार आओ आओ सर आओ, तो जाना पड़ेगा यार, देखो मैं ट्राई कर रहा हूं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप आगे का व्लॉग जरूर देखिए, आपको पता लगेगा कि कितने कितने आज एंटरटेनमेंट और फन है हमारे में। चलो कीप वॉचिंग। तो गाइस एक्सरसाइज हो गई है, थक गए हैं, अब आज जैसे कुछ पार्टी अटेंड करने का मन बना रहे हैं, पता नहीं हो पाती नहीं हो पाती, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा हुलिया ठीक कर लिया जाए, अब जाता हूँ, अगर हेयर ड्रेसर की दुकान खुली होती है तो पहले हेयर कटिंग करता हूँ और फिर आगे चलते हैं। हेयर कटिंग इज डन, रशिंग टू होम, फिर नहाते धोते हैं। आपको पता लग गया मैंने बाल कटे हैं? कैसे आप बाल कटा कैसे आ गए? पर आपको किसने बताया मैंने बाल कटाए हैं? हैं? खुद पता चल गया कैसे? ऑमलेट, ब्रेड, दूध, अरे वाह और आ गया। आपको मम्मा बुला रही है। क्या कह रही है? इधर आओ, आपको मम्मा बुला रही है। चलो अभी आए थे तब फिर किसने कहा ये बताओ पहले। हेलो होता है आपका फैन है ना, आपकी दादी की बीवी कितनी मोटी है, ऐसे कह रही है। हां ऐसे किसने कहा? नाम बताओ वो फ्रेंड का, नाम बताओ फ्रेंड का, किसने आपका फैन है? क्या बोला उसने? सी दादी है ना आप, और सी दादी ना मोटे हैं ऐसे कहा। बात पलट गई, मोटू मोतिया पतले, मोतिया पतले क्यों इतना पानी डाले रहे, इतना बलबलाट क्यों हो रहा है? अरे फ्रॉक तो पहन, ऐसे कैसे जाएगी? अरे फ्रॉक पहन ले ऐसे जाएगी कैसे? अरे छोड़ उसका मुंह, छोड़। गाड़ी लेके आ गया, उसके साथ फटाफट निकलते हैं फंक्शन के लिए। तो फाइनली चेतन आ गया लेने के लिए, अब हम जा रहे हैं फंक्शन में और भाभी जी के प्रमोशन का फंक्शन है, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, फिर आगे के दिखाते हैं। और हम निकले हैं, रास्ते में बारिश शुरू हो गई है, उधर भी कह रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। कैसे आए इस बारिश में जल्दी? आ गए दरवान सिंह और हम लेके जा रहे हैं वेन्यू पे जहाँ पे, और बारिश का झमाझम लगी हुई है यहाँ पे, चेतन गाड़ी पार्क करते हुए। आ जाओ भी जल्दी आ जाओ। चेतन स्नैक्स लीजिए, इधर भी मुंह छुपा रहे हैं।
चलो बाय बाय। सो फाइनली अभी ये रीयूनियन जो हम करने जा रहे हैं इसके लिए लोग इकट्ठे हो गए। सुभाष ने बड़ी गोली दी है आज और बहुत लेट आया है ये। चार बजे से मुझे खड़ा कर रखा है और पांच बजे पहुंचे यहाँ पे। दुर्गेश ने गोली दे दी है भी दुर्गेश गोली दी भाई दुर्गेश ने। ये सारे लोग हमारे पहुंच गए। अब हम जगह डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे जाना है, उसके बाद आगे का दिखाते हैं। अंकित वगैरह लोग वो भी ऑन द वे है और लोग भी आ रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको थोड़ी देर में। रीयूनियन हो रही है हमारे ऑफिस की। ये सारे के सारे लोग आ गए हैं और फाइनली सुभाष का आज बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। हैप्पी बर्थडे सुभाष। और इसने बहुत लेट किया है आज, इसने सब लोगों को बहुत लेट कराया है। सो मैं अपनी पूरी टीम के साथ आज गेट टुगेदर करता हुआ। तो सारे लोग इकट्ठे हुए आज, हैप्पी बर्थडे हो रहा है सुभाष का। और सुभाष को भगवान बहुत बहुत तरक्की दे, बहुत आशीर्वाद हम सब की तरफ से। और सुभाष ऐसी पार्टियां हमें हमेशा दिखता रहे। सुबह का हैप्पी बर्थडे सुबह, हैप्पी बर्थडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सुबह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और सुबह का केक कैंडल के साथ स्टार्ट हो चुका है। Many many happy returns of the day, Supu. अब वो अलग बात है कि वो कैंडल भी कैंडल जला रही है, प्रवीण जला नहीं पा रहा है कैंडल। जला घर में ही जला। सुबह का केक जल गया है और सुबह की भी। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे सर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। Many many happy returns of the day, Supu. God bless you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Supu, happy birthday to you. फ्रेंड्स रात के 11 बज गए ऑलमोस्ट और मैं पहुंच गया हूं घर वापस। और अंकित और प्रवीण को छोड़ दिया है मैंने, वो कैब करके आगे रोनी चले गए मुझे यहां पे छोड़ के। और इसी के साथ अब घुसते हैं घर में यार, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चलो टेक केयर, शब्बा खैर, गुड बाय, कीप वॉचिंग।